सचिव प्रियंका गांधी ने बडहरवा के श्रीकुंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव मां और मिट्टी का चुनाव है, झारखंड के अस्तित्व का चुनाव है। सीएनटी एसपीटी को लेकर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों पर हमला कराया। जिन कानूनों के लिए आदिवासी लड़े, बीजेपी ने उन्हें हटाने की कोशिश की, जबकि इंदिरा गांधी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की जमीन छीनकर अमीर दोस्तों को देने के लिए लैंड बैंक बना रही है। यूपी के सोनभद्र में आदिवासियों को मारा गया, लेकिन मुझे वहां से पीड़ितों को मिलने भी नहीं दिया गया, मुझे रोक लिया गया। आदिवासियों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस के कनकन में है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदाएं हैं, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। बच्ची दम तोड़ रही है, जबकि बीजेपी मौत को झुटला रही है। बीजेपी प्रचार में सुपर हीरो है, लेकिन काम में सुपर जीरो। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि 5 साल में झारखंड में बीजेपी सरकार ने कितनी गरीबी मिटाई, कितना रोजगार दिया, ये बताए। 5 साल में बीजेपी की सरकार सिर्फ जमीन लूटने की सरकार रही है। बैंक ने अमीरों का कर्जा माफ किया है, लेकिन किसानों का नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में प्याज, दाल, चावल, इंटरनेट सब महंगा हो गया है। ऊपर से सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है। रेलवे और एयरपोर्ट बेचना चाहती है। देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। यूपी में बीजेपी विधायक ने दुष्कर्म किया, झारखंड में बीजेपी के एक प्रत्याशी पर यही आरोप है, लेकिन पीएम मोदी ने उनके साथ मंच शेयर किया। पीएम पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश की सच्चाई पर नहीं बोलते, सिर्फ बहाने मारते हैं। रोजगार, अर्थव्यवस्था, किसान, छात्र, महिला, सुरक्षा और महंगाई, हर मोर्चे पर सरकार फेल है, लेकिन बहाना कांग्रेस पार्टी को देते हैं। 5 साल में बीजेपी ने सिर्फ झूठ परोसी है। ये फेल प्रधानमंत्री है जो सिर्फ बांटने का काम करते हैं। असम में करोड़ों रुपए खर्च कर एनआरसी कराया, लेकिन फेल साबित हो गया। अब सीएससी के खिलाफ चारों ओर विरोध हो रहा है, लेकिन फेल पीएम कुछ नहीं कर रहे। दम है तो पीएम सीएनटी, रोजगार, महिला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भूख से मौत पर बोलकर दिखाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव में ये प्रियंका गांधी की पहली सभा थी। 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए बुधवार को प्रचार का शोर थम गया। 20 दिसंबर को संथाल परगना की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सरकार प्रचार में सुपर हीरो है, काम में सुपर जीरो है। इनकी भ्रष्ट और नाकाम सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, 5 साल में इन्होंने युवा को रोजगार दिया? 5 साल में युवाओं का पलायन रोका? 5 साल में कोई उद्योग लगवाया? 5 साल में कितने कॉलेज खोले? 5 साल में कितनी गरीबी मिटाई? 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं की? 5 साल में पैरा शिक्षकों को सम्मान दिया कि नहीं दिया? आशा आंगनबाड़ी को सम्मान दिया कि नहीं दिया? 5 साल की कैसी सरकार है? जमीन लूटने की सरकार है, अमीरों के जेब भरने की सरकार है। इनके राज में झारखंड के किसान को क्या मिला? क्या फसल का दुगना दाम मिला? क्या आपको कर्ज माफ हुआ? क्या डीएपी खाद सस्ती हुई? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? सरकारी बैंक ने अमीरों को 5.5 लाख करोड़ माफ किए, आपके कर्ज माफ नहीं हुए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो किस बात की 5 साल की स्थिर सरकार है ये? आज देश की ये स्थिति है कि देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही विधायक ने एक महिला का बलात्कार किया। इनकी सरकार कुछ नहीं बोली, बल्कि उस विधायक की इन्होंने पूरी रक्षा की। जब तक जनता से आवाज नहीं उठी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये रुके नहीं, रक्षा करते रहे। यहाँ हाल ही झारखंड में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर यही आरोप लगे हैं, और मोदी जी उनके मंच पर खड़े होकर उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।
झारखंड की लड़कियां अपनी आंखों से देखो, आज ये देश की सच्चाई है, ये झारखंड की सच्चाई है। मगर मोदी जी इस पर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाइयों पे नहीं बोलते। जब बोलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। किसान को सक्षम बनाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सुरक्षित रखने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महंगाई को रोकने में ये सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छोटे दुकानदारों की रक्षा में फेल, सबको भोजन सबको पानी देने में फेल, और वही बहाने बार बार दोहराए गए। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको 5 सालों में कुछ नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है और प्रधानमंत्री की है। ये जिम्मेदारी ये अपने आप लें। इन्होंने आपको सिर्फ खोखले भाषण और झूठ परोस के दिए हैं, और हर तरह से ये फेल प्रधानमंत्री सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है, तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया, नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर, 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला। असम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं। असम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।